थैंक यू बेटा। क्या कर रहे हैं बाबा जी? बेटा अभी ना सैलरीज का टाइम चल रहा है ऑफिस में, तो मैं चेक कर रहा हूँ मेरे पास कितना कैश है और कितना मुझे और निकलवाना है, कुछ चेक कर रहा हूँ, हिसाब लगा रहा हूँ। जी तो बाबा जी आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलेगी? बेटा ये मैं नहीं डिसाइड करता, वो खुद डिसाइड करते हैं कि उनकी कितनी सैलरी होनी चाहिए उनकी वर्थ के मुताबिक। ये कैसे बाबा जी, वो खुद कैसे डिसाइड करेंगे, वो तो आपके लिए काम करते हैं। नहीं बेटा, हर इंसान अपनी सैलरी खुद डिसाइड करता है और अपनी वर्थ के हिसाब से, अपनी काबिलियत के लिहाज से। अब वर्थ का मतलब ये नहीं होता कि इंसान, मतलब आप, मैं, कोई दूसरा बंदा, मतलब वो कितना प्रोडक्टिव है हम उसको वर्थ बोलते हैं जी। कितना वो काम करता है, कितना कंपनी को कमा के देता है या कंपनी के लिए काम करता है, उसके मुताबिक फिर फैसला होता है कि वो कितनी वर्थ का मालिक है। तो डिसाइड करने वाला कौन हुआ? वो खुद। मिसाल के तौर पे देखो, अभी मैं अभी ये देखो ये कितने सारे पैसे हैं, छोटे नोट हैं सारे। अब ये बनाने में पेपर भी बहुत ज़्यादा लगा है, कॉस्ट भी ज़्यादा आई है, और इसके बदले में ये एक नोट इन सब पे भारी है। इसको बनाने में भी कम कॉस्ट आई है, पेपर भी कम लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वर्थ ज़्यादा है, इन सब की मिल के वर्थ उसके बराबर नहीं है। और इसके बदले में एक और चीज़ देखो इंटरेस्टिंग, अभी देखो ये कॉइन्स हैं, ये कॉइन्स का वज़न इन सब से ज़्यादा है, इनसे भी ज़्यादा है, इनसे तो बहुत ज़्यादा है, तो इनकी वर्थ इनसे भी कम है। तो इसका मतलब है कि हमको इस नोट की तरह होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए इंसान को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये हैं इनकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू इनकी भी है, वैल्यू इनकी भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने यही तो निज़ाम बनाया हुआ है, ना तो सारे ये हो सकते हैं, ना सारे ये हो सकते हैं, ना सारे ये हो सकते हैं। अब देखो जो काम ये कर सकता है ना, वो ये सारे मिलकर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, वक्त ज़्यादा लगेगा, और ये अकेला ही कर सकता है। और जो काम ये सारे कर सकते हैं, मज़े की बात है कि वो ये काम नहीं कर सकता। देखो कैसी लिमिटेशंस हैं, अल्लाह का निज़ाम कैसा है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो शॉर्ट बात है वो ये है कि हर बंदा अपनी कीमत खुद तय करता है, अपनी वर्थ खुद बनाता है।